नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। दोस्तों, आज के ज़माने में जहां कार खरीदना पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, उसी वजह से लोग इनकी इम्पोर्टेंस भूल गए हैं, जो कि आज से 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। दुनिया भर की सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी दुकान भारत में लगा चुकी है और हर एक कंपनी पॉकेट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली कारें बना रही है, जिसकी कारणवश आज के कंज्यूमर के पास में मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन ये हालात कुछ साल पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में एक कार में एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बजाय उसे एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा गया था। लेकिन उस ज़माने में कारें आज की जितनी फैंसी और पावरफुल नहीं होने के बावजूद भी ये कारें भारत की लीजेंडरी और आइकॉनिक कारें हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हम आज की ये इंडस्ट्री और आज की ये गाड़ियां देख पा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया की टॉप 10 लीजेंडरी कार्स के बारे में बात करेंगे, जिन कारों ने पिछले 50 से 60 सालों से हम इंडियंस के दिलों पर राज किया है। इनमें से कई गाड़ियों ने अपने ज़माने में एक नई क्रांति की शुरुआत की थी। इसमें से कुछ गाड़ियों का सफ़र ख़त्म हो चुका है तो कुछ गाड़ियों का सफ़र आज भी जारी है। इन कारों के बारे में हम कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो हो सकता है आप में से कई लोगों को मालूम ही ना हो। तो चलिए जानते हैं उन 10 गाड़ियों के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है दोस्तों ओपेल की एस्ट्रा। इस लीजेंडरी हीरो को कोई भी कैसे भूल सकता है। ये एक स्मॉल फैमिली कार थी जिसे जर्मन ऑटोमोबाइल ओपेल ने बनाया था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर की सब्सिडरी कंपनी थी। आज के वक्त में आपको शेवरले का नाम काफ़ी अच्छे से याद होगा। शेवरले भी जनरल मोटर्स की ही सब्सिडरी कंपनी थी। इस कार ने इंटरनेशनली काफ़ी प्रशंसा हासिल की थी और भारत में भी ये एक बहुत ही बड़ा हिट प्रोडक्ट साबित हुआ था। इसे कंपनी द्वारा 1996 से लेकर 2002 के बीच में भारत में बेचा गया था। आज की डेट में अगर आप भारतीय सड़कों पर इसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो शायद ही इसका कोई मॉडल आपको सड़कों पर दिखाई दे। इस लिस्ट में 9वें पायदान पर आई है दोस्तों फिएट की 118NE। फिएट की ओर से पद्मिनी प्रीमियर भारत में बिकने वाली सबसे लोकप्रिय फिएट कार थी। उसके बाद नंबर आता है 118NE का। इसे भी भारत में लोगों ने जमकर पसंद किया और ख़रीदा भी, लेकिन पद्मिनी प्रीमियर जितना इसे पसंद नहीं किया गया। ये कार फिएट के 1966 की फिएट 124 पर बेस थी, जिसे 1985 में भारत में लॉन्च किया गया था निसान सोस 1.2 लीटर इंजन के साथ में, जो मात्र 52 BHP की पावर जनरेट करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ते कंपटीशन में कार ने अपनी लोकप्रियता खो दी और इसे इतिहास के पन्नों में गुमनाम होना पड़ा। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है स्टैंडर्ड 2000। भारत की 130 करोड़ की आबादी में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम सुना होगा। ये एक भारतीय ब्रांड था जिसे द स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पेश किया था। ओरिजिनली ये कंपनी UK से थी। इस कार का नाम स्टैंडर्ड 2000 इसलिए रखा गया था क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार 2000cc इंजन के साथ आती थी, अलॉन्ग विथ 4-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विथ 145 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। अपने वक्त में ये एक ऐसी कार थी जिसे सड़कों पर लोगों ने मुड़ मुड़ कर देखा करते थे। इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस लिस्ट में 7वें पायदान पर आई है दोस्तों टाटा सियेरा। उस ज़माने में ये अपने वक्त से काफ़ी आगे का एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट था, जिसने काफ़ी सारी फर्स्ट इन दी इंडस्ट्री चीज़ें कंज्यूमर्स को ऑफर की थी। इसमें एक 1.9 लीटर का इंजन मिला करता था और इसमें एडजस्टेबल स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ और पावर स्टीयरिंग जैसे फर्स्ट इन इंडस्ट्री फीचर्स के साथ में ये गाड़ी आती थी।
लेकिन इस कार की सबसे पॉपुलर चीज़ इसका रियर पैसेंजर की विंडो ग्लास होना था, जिसने कई लोगों के दिलों को जीत लिया था। लेकिन अब ये कार अतीत के पन्नों में हो गई है और शायद ही ये आपको भारतीय सड़कों पर देखने को मिल जाए। हाल ही में ऑटो एक्सपो 2020 में टाटा ने इसका कंसेप्ट मॉडल पेश किया था। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम इसे दोबारा से भारतीय सड़कों पर देख पाएंगे। इस लिस्ट में पूरे भारत में छठे पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की इस्टिम। ये कार एक पीपल कैरियर तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसी लीजेंडरी कार ज़रूर थी जिसकी कस्में रैली रेसेस खाया करते थे। इसमें आपको एक लीटर का पेट्रोल इंजन मिला करता था जो कि 65 bhp की पावर जनरेट करता था, जिसे जल्द ही 85 bhp के इंजन से रिप्लेस किया गया था। ये बेहद ही खूबसूरत बॉक्सी सेडान कॉम्पैक्ट कार हुआ करती थी और आज भी आपको ये भारतीय सड़कों पर आसानी से देखने को मिल सकती है। इस कार के साथ एक ही दिक्कत रही है कि इसे वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों से अपडेटेड नहीं किया गया। इसके बावजूद भी इस्टिम भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली सॉलिड और रिलायबल कारों में से एक है। इस लिस्ट में पूरे भारत में पांचवें पायदान पर आई है दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा। ये शायद ही एकमात्र ऐसी भारतीय मसल कार थी जो भारतीय कार प्रेमियों की दिलों की धड़कन बन गई थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर की तरह ये भी अब प्रोडक्शन में से निकल चुकी है। इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है और ये गुमनामी के अंधेरों में खो गई है। ये कार अपने वक्त में इसके स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस, वंडरफुल कंफर्ट, स्पेस, एसी और पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से लोगों के दिलों पर राज करती थी। इन सभी चीज़ों के लिए जानी जाती थी। मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान मोटर अगर इसे दोबारा लॉन्च करती तो आज भी ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय कार साबित होती थी। इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की 800, जो एक जापानीज मैन्युफैक्चरर की कार थी जिसने उस ज़माने में लोगों की पहली पसंद एम्बेसडर और पद्मिनी प्रीमियर को भुलाने पर मजबूर कर दिया। मारुति 800 वो प्रोडक्ट है जिसने कई सारी कारों को इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से और मार्केट से आउट ऑफ बिजनेस होने के लिए मजबूर कर दिया। ये वही कार थी जिसने भारतीय ऑटो जगत को नए पहियों पर खड़ा कर दिया। इसने 1986 से लेकर 2014 तक 28 साल भारत में अपनी कीमत, ईज ऑफ ड्राइविंग, ईजी टू मेंटेन करने की काफ़ी सारी काबिलियत की वजह से लोगों के दिलों पर राज किया। ये मारुति का बहुत ही क्विक हिट प्रोडक्ट था। खैर, बाकी तो सब इतिहास है, लेकिन आज भी डोमेस्टिक सेल्स में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का 53% शेयर मारुति के पास है, इसे हम भूल नहीं सकते। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है दोस्तों पद्मिनी की प्रीमियर। अगर आप मुंबई जाएंगे तो आज भी सड़कों पर दौड़ रही इस कार की संख्या को देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आपको अगर मालूम नहीं है कि ये कार कैसे दिखती है तो आज भी जनाब मुंबई जाइएगा और सड़कों पर दौड़ रही काली पीली टैक्सी नुमा सेडान को देखिएगा जो पद्मिनी प्रीमियर है। इसे 1973 से लेकर 1998 तक भारत में बनाया जाता था और इस सफ़ेद कार को हमेशा इसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे वाले गियर की वजह से याद रखा जाएगा। अपने ज़माने में इसे भी कई फिल्मों में देखा गया है, लेकिन फिर जापानी कारों की बढ़ती संख्या की वजह से इसे अपना दम तोड़ना पड़ा। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है मारुति की जिप्सी, जो इस लिस्ट में एकमात्र ऐसी कार है जिसे आज भी ऑन रिक्वेस्ट ऑन ऑर्डर बनाया जाता है और बेचा जाता है। ये कार आज भी इंडियन सिक्योरिटी और इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच में बेहद ही लोकप्रिय गाड़ी है। ये एक सबसे सस्ती ऑफ रोडिंग कार है जिसे आज भी रैली रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अफसोस है कि अपने घटिया माइलेज, सिंगल इंजन ऑप्शन और सीट वर्स्ट कंफर्ट की वजह से इसे ग्राहकों ने पसंद नहीं किया था, लेकिन आज भी कुछ इंथुजियास्ट कार बायर्स इसे खरीदने का शौक रखते हैं। इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पर आने वाली कार है दोस्तों नन अदर दैन हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। ये लिस्ट इस कार के बिना अधूरी है, इसके बगैर ये लिस्ट कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। एम्बेसडर भारत की एक ट्रू ब्लू आइकॉनिक कार है जो ब्रिटिश मॉरिस ऑक्सफोर्ड पर बेस थी और भारत में मैन्युफैक्चरर होने वाली सबसे पहली कार थी। ये कार पॉलिटिशियंस और फ्लीट ओनर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। इस कार के हिट होने का और बेहद ही पसंद किए जाने का कारण था कि इसकी बैकसीट कंफर्ट और बिल्ट लाइक अ टैंक की क्वालिटी, जिसे सालों साल आप किसी भी तरह की सड़कों पर चलाया जा सकता है। लेकिन जापानी कारों की भारतीय बाजार में आने की वजह से ये ओल्ड इज गोल्ड एम्बेसडर अपना आकर्षण खो बैठी। इससे पहले कि इसे किसी बेहतर कारण की वजह से बंद किया जाता, इसे डिसकंटिन्यू होना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।